तो बरमूडा ट्रायंगल सच है या झूठ है? सच। कोई शक? नहीं, कोई शक नहीं। ठीक है, कितने शिप्स और प्लेन गायब हुए हैं यहाँ पर? हजारों हुए होंगे। ये सच में बड़ी अजीब बात है। ये तो ऐसा है जैसे वो दुनिया से ही गायब हों। अगर साइक्लॉप्स या फ्लाइट 19 नहीं होते तो कोई ट्रायंगल भी नहीं होता। और फिर मैंने कंपास देखा और वो अपने आप घूम रहा था। आखिर इन्हें हुआ क्या था? साइंटिफिकली इसकी कोई वजह समझ में नहीं आती। तो ठीक है, तैयार हैं आप लोग? यकीन नहीं होता, ये क्या है? गो! हम इसे स्पेस के किनारे तक ले जाएंगे। ओके, वो नीचे आ गया, उसे डूबने से पहले निकालो। सोचिए, अगर आप समंदर में एक बढ़िया दिन गुजार पाएं, कांच की तरह साफ पानी, ठंडी ठंडी हवा और दूर तक कोई बादल नहीं, और अचानक सब कुछ बदलने लगा, आपका कंपास घूमने लगे, आपका रेडियो बंद हो जाए और आसमान में अंधेरा छा जाए, यानी उस वक्त आप होंगे बरमूडा ट्रायंगल में। कुछ लोगों के लिए ये दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है, एक ऐसा समुद्री इलाका जो आने जाने वाले लोगों को निगल जाता है और कोई निशान नहीं छोड़ता। शक करने वालों के लिए ये सब होता रहता है, जबकि नॉर्थ अटलांटिक का एक ऐसा कोना है जहां तूफान आते हैं और मौसम खराब रहता है। लेकिन एक चीज नकारी नहीं जा सकती कि ट्रायंगल में अनगिनत चीजें गायब हुई हैं, जिनका कुछ पता नहीं चला। बड़े बड़े शिप्स, न जाने कितने एरोप्लेन्स गायब हो गए, और मैं ये पता लगा कर रहूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। सेलर्स और पायलट्स मानते हैं कि यहाँ नेविगेशनल डिसरप्शंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। अब एक्सपर्ट्स की एक टीम ट्रायंगल के इस मसले की जांच करके पता लगाएगी कि वहाँ हवा में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और मेरीन साइंटिस्ट नई फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी से जहाजों के मलबे को स्कैन करके उनकी लिस्ट बनाएंगे, और यहाँ तक कि लहरों को स्टडी करके ये पता लगाएंगे कि उनमें ऐसा क्या है जो पानी को इतना घातक बनाता है, और आखिर में एक नई कड़ी शायद ट्रायंगल के सबसे बदनाम केस को सुलझा दे। फाइटर प्लेन्स, जिसमें सेना के जवानों का एक पूरा ग्रुप हवा में गायब हो गया, क्या उन्हें ढूंढा जा सकता है? तो बांध लीजिए अपनी कमर और चलिए मेरे साथ, क्योंकि मैं सच का पता लगाने जा रहा हूँ। हम जाएंगे एक खोजी जहाज के ऊपर और उस कहानी के पीछे की सच्चाई का पता लगाकर इस रहस्य को सुलझाएंगे हमेशा के लिए। मेरा नाम है जॉश गेट्स। आय आय आय, एक्सप्लोरर एडवेंचरर। कई बार मुझे मुश्किल हालत का सामना करना पड़ता है। ये मजेदार था। मेरे पास आर्कियोलॉजी की डिग्री है और खोज का जुनून। मेरा जुनून मुझे दुनिया के हर कोने में ले जाता है, जहां मैं इतिहास की जांच करता हूं। मैं तैयार हूं। चलिए, ये है साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज। मैं मायामी में जाने माने बरमूडा ट्रायंगल को लेकर अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहा हूँ। की बिस्केन के दक्षिणी छोर पर केप फ्लोरिडा के लाइटहाउस से मैं यहाँ 25 साल से बरमूडा ट्रायंगल पर रिसर्च करने वाले लेखक रॉब मैक्रीजोर से मिलने आया हूँ। नाइस टू मीट यू जोश। नाइस टू मीट यू टू। ओके, तो बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले ये बताइए कि एक आम आदमी की इसके बारे में सोच क्या है। बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक का एक मशहूर इलाका है, जहां हजारों शिप्स और एरोप्लेन्स गायब हो चुके हैं, जिनका कोई अता पता आज तक नहीं चला। और ये समुद्री इलाका कहां तक फैला हुआ है? ये यही मायामी से शुरू होता है। अच्छा, हम उसके एक सिरे पर खड़े हैं, और अगर साउथ ईस्ट में सैन जुआन पोर्टोरिको की तरफ 1000 मील दूर जाए तो वो इसका दूसरा सिरा होगा। अच्छा, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बरमूडा की तरफ 1000 मील और आगे चले जाएं, तो वो इसका तीसरा सिरा है। इसकी सीमाएं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हुए नॉर्थ अटलांटिक ओशन के करीब 500,000 स्क्वायर माइल्स को कवर करती हैं। ये दुनिया के सबसे ज्यादा समुद्री ट्रैफिक वाले इलाकों में आता है, और इसकी खतरनाक रेपुटेशन सदियों पुरानी है। बताइए, ये ट्रायंगल शुरू कहाँ से हुआ? एक फेमस डेट से 1492। कोलंबस?
जी हाँ कोलंबस। नई दुनिया की अपनी पहली जहाज यात्रा पर बरमूडा के साउथ ईस्ट की तरफ जाते हुए क्रिस्टोफर कोलंबस ने बताया कि उन्हें बहुत दूर अजीब सी रोशनियां टिमटिमाती हुई दिखी, साथ ही बड़ी ही अजीब सी कंपस रीडिंग्स। उनकी ये रहस्यमयी खोज आज कहलाती है बरमूडा ट्रायंगल। तो लोग इसे पहले क्या कहते थे? वो इसे डेविल्स ट्रायंगल कहते थे, हुडूस ट्रायंगल। और 1964 में विंसेंट ने एक आर्टिकल लिखा और उन्होंने इसे बरमूडा ट्रायंगल का नाम दिया और वही नाम पड़ गया। हाँ वही नाम पड़ गया। कोलंबस की यात्रा के 500 साल बाद भी यहाँ कई हादसे हुए हैं। आज इसे देखते हैं एक भयानक जगह की तरह, एक रहस्यमयी जलपरी जो शिप्स और एयरक्राफ्ट्स को बिना निशान छोड़े निगल जाती है। सबने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग इस बात को समझ नहीं पाए हैं कि ये सच में है या सिर्फ एक झूठी कहानी। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, बताएंगे? मेरी शुरुआत भी शक से ही हुई थी, फिर मैंने रिसर्च शुरू की, फिर पता चला कि ये सिर्फ मौसम की खराबी या पायलट एयर का मसला नहीं है, बल्कि वहाँ कुछ तो है। क्या आपने ट्रायंगल को खुद महसूस किया है? हाँ किया, जब मैं एंड्रोस आइलैंड से प्लेन में जा रहा था तो फ्लोरिडा की तरफ जाते वक्त अचानक प्लेन का नेविगेशन सिस्टम बंद पड़ गया और स्क्रीन ब्लैंक हो गई। अच्छा, ओहो, बहुत जोर से बिजली कड़की है। ओके, तो बरमूडा ट्रायंगल हमारी ओर ही आ रहा है। शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर, यानी कि डेविल्स ट्रायंगल हाजिर। कुछ ही मिनटों में रॉब और मैं भयंकर तूफान में घिर जाएंगे। तो हम पर बिजली गिरने से पहले ये बताइए कि इसे समझने के लिए कहां से शुरुआत करनी चाहिए। ओके जोश, इसे मायामी ट्रायंगल नहीं कहते, पुर्टो रिको ट्रायंगल भी नहीं कहते, ये बरमूडा ट्रायंगल है। अगर इसे समझना है तो इस तूफान को पार करके हमें बरमूडा जाना होगा। चलिए इस लाइट हाउस से निकलते हैं वरना फंस जाएंगे। बरमूडा ट्रायंगल। फ्लोरिडा में तूफानी बारिश होना आम बात है, लेकिन इसकी टाइमिंग का पता नहीं होता, ये थोड़ा खतरनाक है। मौसम साफ होते ही मैं मायामी से बरमूडा के छोटे से आइलैंड पर आ गया। माने ना माने, लेकिन ये ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है। ये आइलैंड करीब 3 किलोमीटर चौड़ा और 32 किलोमीटर लंबा है। और एक चीज इसे बाकी सब जगहों से अलग बनाती है, वो है यहाँ की धूप, टर्कोइस का पानी और गुलाबी रंग के घर। ये जगह तो जन्नत है, लेकिन ये जगह अपने अपोडमस ट्रायंगल के लिए भी मशहूर है। इन शक्तियों को जानने के लिए मैं मिलूंगा एक एक्सपर्ट से जो आइलैंड के दूसरी तरफ हैं। मैं मिलूंगा लाना लेक्सिना से, जो क्रिएटर हैं बरमूडा अंडरवाटर एक्सप्लोरेशन इंस्टीट्यूट की। हाय जॉर्ज, हाउ आर यू? नाइस टू मीट यू। आपको बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जानना है? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। ओके, चलिए। लेडीज फर्स्ट, हम जा रहे हैं म्यूजियम के अंधेरी सुरंग में, और ये बरमूडा ट्रायंगल में गायब होने वाली चीजों का एक डिजिटल आर्काइव है। मैं इस बोट के बारे में जानता हूँ, द स्प्रे। हाँ, ये जोशुआ स्लोकम की है, एक फेमस सेलर जो अकेले पूरी दुनिया की जहाज यात्रा पर गए थे। मैं इस कहानी के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, क्योंकि मेरा नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। दुनिया के सबसे खराब समुद्रों का सामना करने के बाद मेरे हमनाम और उनका जहाज बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो गए। आप ये गलती मत करना। मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी कि ना हो। लाना ने मुझे कुछ सबसे बड़े जहाज और एयरप्लेन के गायब होने के बारे में बताया। यूएसएस साइक्लॉप्स, जो 1918 में 306 यात्रियों के साथ गायब हुआ था, और फ्लाइट 19, जो टॉर्पीडो बॉम्बर्स के ग्रुप के साथ ट्रेनिंग मिशन पर थी, और वो सब 1945 में गायब हो गए। असल में ट्रायंगल की मेन थ्योरीज क्या है, आइए मैं बताती हूँ। ट्रायंगल में होने वाली ज्यादातर घटनाएं 4 मेन कैटेगरीज में आती हैं। तो सबसे बड़ी एक थ्योरी में ये बताने की कोशिश की है कि ट्रायंगल में सब कुछ मौसम की वजह से होता है। मौसम, भयंकर तूफान, बड़ी बड़ी लहरें, उफनता हुआ समुद्र। जहाज तो यहाँ से शुरुआत से ही निकलते रहे, इसलिए ट्रायंगल को खतरनाक मौसम से जोड़ दिया गया। क्या ट्रायंगल के अंदर दुनिया का सबसे खतरनाक मौसम होता है? बिल्कुल, वहाँ का मौसम बहुत अलग है, सबसे अलग, मतलब वहाँ सबसे भयंकर समुद्री तूफान आते हैं। अटलांटिक के इस हिस्से में लगातार आंधी और तूफान आते रहते हैं, लेकिन कई लोग मानते हैं कि यहाँ के तूफान बड़े अजीब तरीके से तबाही मचाते हैं। यानी कि मोटे तौर पर कहें तो यहाँ जो भी होता है उसके लिए मौसम जिम्मेदार है। हाँ,
इस ट्रायंगल की तरह दूसरे तूफानों में नेविगेशनल इक्विपमेंट खराब नहीं होते। ये चीज हमें दूसरी थ्योरी पर लाती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंसेस। कंपास खराब होने की कई रिपोर्ट्स हैं और साइंस बता नहीं पाता कि ऐसा क्यों होता है। कई लोगों की तरह लाना का मानना है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ फैली हुई है, जिसका कहर प्लेन्स और शिप पर होता है। उसके बाद आती है तीसरी थ्योरी। जानने के लिए तैयार हैं? जॉश, ये ट्रायंगल की सारी रहस्यों का जवाब है। क्या सच में ये है गुत्थियों का जवाब? ये हाँ लाना, अब ये क्या है? हाँ, क्या हो रहा है? एलियंस। इसके जिम्मेदार एलियंस हैं। मैं जानता था इसके जिम्मेदार एलियंस ही होंगे। ये एक पूरी कैटेगरी है जिसमें अटलांटिस जैसी चीजें भी शामिल है। मानो या ना मानो, लेकिन पानी के अंदर की प्राचीन चीजों से लेकर बाकी की दुनिया तक बहुत सारे लोगों ने ट्रायंगल को एक काल्पनिक शहर अटलांटिस से जोड़ दिया है। तो लाना, इस थ्योरी को लेकर कोई चीज है आपके पास? मैं खुला दिमाग रखती हूँ। दिमाग खुला रखती है? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, ये एलियन तो नहीं है। एक आखिरी थ्योरी और है जो मैं बताना चाहती हूँ। ठीक है। वो है शक करने वालों की थ्योरी, और वो थ्योरी ये है कि बर्मुडा ट्रायंगल में कुछ हो ही नहीं रहा है। अनगिनत जहाजों का टूटना और गायब हो जाना एक आम घटना और इंसानी गलती का नतीजा हो सकता है, ये पता लगाने के लिए हम यहाँ आए हैं। क्या आपको लगता है कि हम बर्मुडा ट्रायंगल के राज अच्छी तरह से समझ पाएंगे? उम्मीद तो यही है, लेकिन सच कहो तो मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। नहीं, बेशक लाना ने हार मान ली हो, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। जवाब जानने के लिए हम जाएंगे समुद्र के तल पर। मैं क्रिस ग्रॉन्टलेट से मिलूंगा, जो एक माहिर गोताखोर और बर्मुडा रेक्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, और वो पूरी तरह से तैयार होकर आए हैं ट्रायंगल का राज पता लगाने। चलें? चलिए, कुछ जहाजों के मलबे ढूंढते हैं। मैं तैयार हूँ। ओके, तो चलिए चलते हैं। अब और इंतजार नहीं होता। हम बर्मुडा के पश्चिम में एक खतरनाक इलाके में गए, जहाँ गहराई में 300 से ज्यादा जहाजों का मलबा पड़ा हुआ है। हम वहाँ ट्रायंगल के पीछे छुपी सच्चाई को खोद कर निकालेंगे। मैं बर्मुडा के रहस्य को समझने की मुहिम पर निकला हूँ। मायामी बर्मुडा और प्यूर्टो रिको के बीच समुद्र का वो शैतानी इलाका, जो सदियों से जहाजों और हवाई जहाजों को निगलता आ रहा है। ट्रायंगल की शक्ति जानने के लिए चार थ्योरीज बनी हैं: भयंकर मौसम, मैग्नेटिक एनोमैलीज, प्राचीन अटलांटिस में रहने वाले लोग, या फिर एलियंस, या फिर इंसानी गलती और बदकिस्मती। इसके सच को जानने के लिए मैं बर्म्यूडा के बाहरी इलाके में पड़े कई जहाजों के मामलों की छानबीन करूंगा, डाइवर क्रिस ग्रॉन्टलेट और रिसर्चर जेपी रोजा के साथ। हे, कैसे हैं आप? मैं हूं जॉश। जेपी, कैसे हैं आप? नाइस टू मीट यू। तो जॉश, जेपी आज हमारे टेक गाय हैं और मैं आज आपका व्रेक गाय हूं। टेक और रेक, वाओ, क्या बात है। यानी यहाँ बहुत सारा मलबा है। बहुत है, तभी तो हम इसे अटलांटिक का शिपरेक कैपिटल कहते हैं। 300 शिप से भी ज्यादा का मलबा होगा। 300 शिपरेक? हाँ। वाओ। क्रिस और जेपी इन मलबों को देखते आ रहे हैं, ये पता लगाने के लिए कि वो वहाँ कैसे पहुँचे। हम डाइविंग सूट्स पहनकर वहाँ जा रहे हैं, जहाँ मुझे जानना है कि ये सब कैसे किया जाता है। हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बर्मुडा 100, और इसमें हम कुछ सालों से अलग अलग मलबे को डिजिटाइज करते आ रहे हैं। और वो कैसे होता है? एक प्रोसेस है जिसे फोटोग्रामेट्री कहते हैं। इसमें हम अलग अलग मलबे के हजारों फोटोज खींचते हैं और फिर उसे कंप्यूटर एल्गोरिथम में डाल देते हैं, जो उसका एक 3D मॉडल बना देता है। 3D मॉडल से पता चल सकता है कि उन जहाजों के साथ क्या हुआ था और वो कैसे ट्रायंगल की चपेट में आ गए। आज हम जिस जहाज की तस्वीर लेने जा रहे हैं वो है मोंटाना, एक स्टीमशिप जो 1863 में एक नाकाबंदी के दौरान सिविल वॉर में शामिल होने के लिए चुपके से सैनिक सहायता ले जा रही थी, लेकिन ट्रायंगल उसे निगल गया और वो आज ठीक हमारे नीचे है। जेपी कैमरा तैयार कर रहे हैं, क्रिस और मैं डाइव लगाने की तैयारी। जॉश, क्या आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ, चलिए। ओके, ज्यादा से ज्यादा फोटो लेने हैं, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए, चलिए मिलते हैं। चलो मेरे पीछे आते जाओ। जॉश, देखो वो रहा। ओहो, क्या बात है। ये देखो, ये मोंटाना का अगला हिस्सा है। जॉश, जरा इसके पैडल व्हील्स का साइज तो देखो, बहुत बड़ा है, एक बड़े झूले के चक्के जैसा।
मोंटाना थी एक बहुत बड़ी 236 फुट की पैडल स्टीमर। इस मिशन के लिए जेपी को शिप के बॉयलर्स की फोटो चाहिए, जिन्हें करीब 100 साल में किसी ने एग्जामिन नहीं किया। चलो पीछे बॉयलर्स के पास चलते हैं। ठीक है, मैं आपके पीछे हूँ। मुझे इसकी फोटो लेनी है। कंप्यूटर से 3D मॉडल बनाने के लिए उसमें जितनी इंफॉर्मेशन डालनी है उसके लिए मुझे बॉयलर के हर हिस्से की बहुत सारी फोटोज खींचनी होंगी। बस थोड़ी सी फोटोज और लेनी है। हमें बॉयलर्स की अच्छी खासी फोटोज मिल गई हैं। ठीक है, मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपके पीछे हूँ। क्या वो रडर है? हाँ हाँ, लेकिन ये रडर किसी दूसरे शिप का है। यहाँ एक और शिप रैक है। ये कॉन्स्टेलेशन शिप का है। यानी एक ही जगह पर दो शिप रैक्स पड़े हैं। मॉडर्न नेविगेशनल टूल्स और नॉटिकल चार्ट्स होने के बावजूद कॉन्स्टेलेशन शिप 1943 में मौजूद मोंटाना के मलबे से बुरी तरह टकराई। इतना सब किसी को भी यकीन दिलाने के लिए काफी है कि ये बदकिस्मती नहीं बल्कि बड़ा खेल है। आखिर ये सब है क्या? सीमेंट की बोरियां। ये तो चारों तरफ फैली हुई है। कॉन्स्टेलेशन करीब 36,270 ग्राम सीमेंट ले जा रही थी, लेकिन उसमें सिर्फ सीमेंट ही नहीं थी, उस पर स्कॉच विस्की के 700 केसेस भी रखे थे। वो एक सेकंड रुकिए, ये मामला तो इंटरेस्टिंग है। वैसे नेवी वाले आए थे विस्की ले जाने के लिए। ओह बिल्कुल आए होंगे, ये नेवी वाले ना। अच्छा सुनो, ऑक्सीजन खत्म हो रही है, ऊपर चले। कॉपी दैट। मैंने बहुत सारी फोटोज ली हैं। आपका मेमोरी कार्ड तो भर गया होगा, ये लीजिए। बहुत बढ़िया। तो अब क्या होगा? सारा डेटा प्रोसेस करना पड़ेगा। और वो होता कहाँ है? UCSC सैन डिएगो में। मतलब मुझे सैन डिएगो जाना होगा? बिल्कुल। तो चलिए पैसिफिक। क्रिस बड़ी तेजी से बोट को रीफ्स, चट्टानों और मलबे से बचाते हुए बड़े सटीक ढंग से किनारे तक ले गए। किनारे पहुंचने के बाद मैं जल्द ही बरमूडा से सैन डिएगो चला गया, जहां यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक हाई टेक फैसिलिटी है। वहां विजुअलाइजेशन और वर्चुअल रियलिटी प्रोफेसर डॉक्टर फाल्को क्विस्टर मोंटाना का एक सटीक 3D मॉडल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अच्छा तो हम क्या देख रहे हैं? हम यहाँ देख रहे हैं ढेर सारे ऑरेंज डॉट्स। ये वो जगह है जहाँ पर फोटो खींचते वक्त आपका कैमरा था। वाओ, मैं जो भी फोटोज खींचता वो सब यहाँ 3D स्पेस में दिखाई दे रही हैं। तो हमें ये पता है कि आप एग्जैक्टली किस जगह थे। ठीक है, ठीक है। जब ये फोटो ली गई थी, जो कि हमारे 3D बनाने के लिए जरूरी है, अब ये डिटेल्ड मॉडल बनाकर दिखाएगा जो उन फोटोज में छिपा है। और ये देखिए। वाओ क्या बात है, ये बहुत बढ़िया है। हम इसे किसी भी एंगल से देख सकते हैं। हाँ, ये बहुत इंटरेक्टिव है। हम इसमें कहीं से भी घुस सकते हैं, वर्चुअली डिजिटली। यकीन करना मुश्किल है। ओके जॉश, चलिए आपको इससे एक कदम और आगे ले जाते हैं और इस 3D मॉडल को हम सीधे एक होलो डेक में लेकर चलते हैं। और एक मिनट, कहाँ? होलो डेक में। आपके पास होलो डेक है? पता नहीं था यहाँ होलो डेक भी है। है ना, चलिए आपको दिखाता हूँ होलो डेक। वाओ। आइए जॉश, देखिए हम वापस बरमूडा में आ गए, मोंटाना के ठीक ऊपर। क्या बात है, उसके 30 फीट अंदर। और वो रहा बॉयलर। हाँ ये बॉयलर है। और मुझे लगता है कि मैं वापस मलबे के ऊपर आ रहा हूँ। अब ये एक 3D मॉडल है, उस जगह की हूबहू डिजिटल तस्वीर, जो खुद अपनी कहानी बताती है। इनक्रेडिबल, इसका कोई जवाब नहीं। शायद मॉडल की मदद से डॉक्टर क्वेस्टर बता पाए कि मोंटाना के साथ क्या हुआ था। फोटोग्रामेट्री हमें क्या बताती है? कैन से हमें क्या पता चलता है? ये शिप उस कोरल रीफ में घुस गया था, साइड से कट गया और ये वहीं डूब गया। वो कट कितना बड़ा था जिसने इसे चीर कर खोल दिया? करीब 10 फुट के आसपास, जो शुरू में कटा होगा। वाओ। और फिर पूरे शिप में घुस गया। और बाद में जो हुआ सब जानते हैं। हाँ सभी को पता है, ये शिप एक कोरल रीफ की वजह से डूबा। इसे जूम आउट करके ऊपर से बरमूडा पर नजर डाल तो पता चलता है कि ये पूरा कोरल रीफ कितना फैला हुआ है। और बड़े कमाल की बात है कि ये इतना बड़ा है। क्या बात है, ये देखिए हमारे सामने इन बड़ी बड़ी स्क्रीन पर 300 जहाजों के मलबे के पीछे की सच्चाई है, जो बरमूडा के समुद्र तट से दूर पड़े हैं। उनमें से तकरीबन
तकरीबन सभी एक बहुत बड़ी रीफ सिस्टम का शिकार हुए। एक मिस्टीरियस सुपर नेचुरल चीज को समझकर बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बात करना आसान है, लेकिन जब आप बरमूडा का डेटा देखते हैं तो आपको असलियत का पता चलता है कि ये कितनी खतरनाक जगह है। ये बड़ा खूबसूरत नजारा है लेकिन जहाजों के लिए बहुत खतरनाक भी है। ये वाकई बहुत ही सेंसेशनल चीज है। मुझे दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड टू सी यू जॉश। ऑल द बेस्ट। कमाल की चीज है ये। अगर हम बरमूडा की बात करें तो यहाँ बड़े जहाज के मलबे शायद ये बताते हैं कि ये सब रीफ्स और तूफानों की वजह से हुआ है, यानी नेचुरल चीजें जो वक्त के साथ बढ़ते बढ़ते एक समुद्री दानव जैसी बन गई। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल किसी एक आइलैंड और किसी एक थ्योरी से बहुत बड़ा है। कुछ लोग जो इस रहस्य की सच्चाई बताते हैं वो बाकी की दुनिया से बहुत अलग है। मुझे बरमूडा ट्रायंगल की कहानी से जुड़ी सारी थ्योरीज को जानना है, इसलिए मैं वापस मायामी फ्लोरिडा आ गया और ये बोट मुझे ले जाएगी सीधा ट्रायंगल में। जब समुद्री कहानियों की बात आती है तो इसमें कोई शक नहीं कि बरमूडा ट्रायंगल सबसे मशहूर कहानियों में से एक है। लेकिन एक और पानी का रहस्य है जो इससे भी बड़ा है, द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस। हैरानी की बात यह है कि लोग मानते हैं कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, यानी अटलांटिस को ट्रायंगल निगल गया, यानी उसी अटलांटिस से ट्रायंगल को शक्ति मिलती है। मैं इसे इतनी आसानी से मानने वाला नहीं। मैं तो करूंगा इन्वेस्टिगेशन और अपनी सोच खुली रखूंगा और मिलूंगा एक एक्सपर्ट से जो मानते हैं कि अटलांटिस सच में एक जगह है और वो इसे साबित भी कर सकते हैं। मैं ईस्ट में करीब 80 किलोमीटर दूर बेमिनी आइलैंड जा रहा हूं। बरमूडा से कम रंगीन बेमिनी में कई दशकों से अटलांटियन थ्योरिस्ट के लिए कुछ नहीं है। वैसे इस आइलैंड पर ट्रायंगल की कुछ एक्स्ट्रा चीजें जरूर नजर आती हैं। जहाजों के भयानक मलबे जो सीपियों की तरह समंदर के किनारे बिखरे हुए हैं। उम्मीद है कि इस जहाज से बेहतर कुछ और मिल जाए और उसके लिए एक पुराने ट्रायंगल रिसर्चर बिल डोनाटो से मिलने आया हूँ। बिल, हे जॉश गेट्स। हाय, वेलकम टू ब्यूटीफुल बेमिनी। बिल्कुल सही कहा आपने, ये जगह बहुत खूबसूरत है। मेरे पास एक सवाल है, अटलांटिस सच है या झूठ? सच। कोई शक नहीं? नहीं, कोई शक नहीं। ओके, तो एक नए तरीके से शुरुआत करते हैं क्योंकि लोगों ने एक्वामैन नहीं देखी। अटलांटिस के बारे में सबसे पहले बताया था फिलोसोफर प्लेटो ने। उन्होंने समुद्र में एक आइसलैंड सिविलाइजेशन के बारे में बताया था जिसने एंसेंट एथेंस पर हमला किया था। प्लेटो इस आइलैंड नेशन का पता लगाया जिसके बारे में कई लोग मानते हैं कि वो अटलांटिक में कहीं है, लेकिन कहां? तो कहानी आगे ये है कि देवी देवताओं के खिलाफ जाने की वजह से तबाही आ गई। कहते हैं कि वो सिविलाइजेशन लहरों में कहीं डूब गई और मैं जानता हूं कि एक लंबे समय तक कई लोगों ने बिमिनी का नाम उस मिस्टीरियस जगह से जोड़ा जहां इस वक्त हम खड़े हुए हैं। तो सवाल ये है कि यहीं क्यों? शायद उन चीजों की वजह से जो असल में यहाँ मिले थे। हमें पुराने स्ट्रक्चर्स मिल रहे थे जो बहुत पहले सरफेस के ऊपर होंगे, मतलब करीब 12,000 साल पहले। यहाँ पानी के अंदर चीजें मैन मेड हैं? होनी तो चाहिए। ओके, दिखाइए कहाँ है। चलिए अटलांटिस। ओके। पास ही की एक बोट पर बिल और मैं उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम से मिले। ए जॉस, ये मार्क और टिन है, ये सिग्वेस्ट से हैं और ये हमारे टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं। नाइस टू मीट यू गाइस। नाइस टू मीट यू जॉश। ओके, चलिए आप लोग तैयार हैं? बिल की टीम के साथ हम डॉक से समुद्र की ओर निकले जहाँ बिल का मानना है कि अटलांटिस इंतजार में है। ट्रायंगल की ताकत पर यकीन करते हैं आप? मुझे लगता है कि वहाँ अजीब चीजें हो रही हैं। कुछ चीजें तो बहुत ही अजीब है, जैसे कि मैग्नेटिक एनोमलीज, उन्हें बता पाना जरा मुश्किल है। सही कहा। क्या वो अटलांटिस से जुड़ी हुई है? ऐसा कहा जाता है कि अटलांटिस सबसे एडवांस सिविलाइजेशन थी। तो कहीं ना कहीं ये सब उनकी टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। हाँ। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? अभी हम जहाँ जा रहे हैं उसे बिमिनी रोड कहा जाता है। बिमिनी रोड, बिमिनी रोड या बिमिनी वॉल, जिसकी खोज असल में तीन गोताखोरों ने की थी। वो यहाँ के समुद्री जीवन की छानबीन कर रहे थे। उन्हें जो मिला वो जल्द ही लापता शहर अटलांटिस की कल्पना को मानने के लिए बढ़िया आधार बन गया। इसके बाद उन्होंने ये कहकर बरमूडा ट्रायंगल से जोड़ दिया कि या तो ये उसकी शक्ति है या शिकार। थोड़ी देर बाद हम तैयार होकर साफ पानी में कूद पड़े। ओके, आ जाओ। यहाँ का पानी तो बहुत साफ है। हम तल पर पहुंच गए जहाँ कोरल के कुछ खूबसूरत पैचेस थे
और ये जगह किसी अंडरवाटर डेजर्ट से कम नहीं है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जल्दी बिल ने मुझे वो दिखाया जिस पर शक करना मुश्किल है। यहाँ तो बहुत सारे पत्थर जमा हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई रोड हो। जहां तक मेरी नजर जाती थी वहां तक पत्थर के वो चौकोर बॉक्स इस तरह जमे हैं जैसे कोई रास्ता बना हो। यहां तो बड़े बड़े काले पत्थर जमा हैं, जो रेगुलर पत्थर जैसे लगते हैं, जैसे बड़े बड़े ब्लॉक्स पक्की सड़कों में लगाए जाते हैं। हमने कुछ पत्थरों के नीचे से रेत हटाकर देखा, लेकिन हम ये पता नहीं कर पाए कि वो कितने नीचे तक गए हैं। ऑक्सीजन खत्म होने तक हम उस रोड पर जहां तक जा सकते थे गए। उसके बाद वापस आकर ये पता लगाने लगे कि ये सब क्या है। वेल, वो तो अजीब जगह थी। अब समझा कि लोगों को वो आर्टिफिशियल क्यों लगता है। वो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर ब्लॉक्स हैं। वो एक के बाद एक ऐसे जमा हुए हैं। कमाल है। लेकिन क्या वो मैनमेड है? बिल की तरह दूसरे लोग भी मानते हैं कि ये एंशियंट अटलांटियन कंस्ट्रक्शन का एक सबूत है। बोट पर वापस आकर हम एक नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की तैयारी में लग गए, जिसे कहते हैं सब बॉटम प्रोफाइल। इससे पता चलेगा कि वो ब्लॉक्स आर्टिफिशियल हैं या फिर नेचुरल पत्थर हैं। ये क्या करेगा? ये ट्रांसड्यूसर साउंड वेव्स पैदा करता है, उन्हें नीचे जमीन की तरफ तेजी से छोड़ता है और वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन बाउंस होकर आती है उसे यहाँ रिकॉर्ड करता है। साउंड वेव सी फ्लोर से नीचे 30 फीट तक जाती है। ये सी फ्लोर से 30 फुट तक नीचे देख पाएगा? हाँ बिल्कुल। वाओ, अगर बिमिनी रोड इंसान का बनाया है तो सब बॉटम प्रोफाइलर पत्थरों के नीचे देख कर बता देगा कि वो कहाँ तक गए हैं, या शायद दूसरे स्ट्रक्चर्स भी दिख जाएं। हमने संभल कर उस डिवाइस को गहराई में डाला और उन पत्थरों के ऊपर लगाकर एक और सेट कर दिया और जल्दी हमें उससे डेटा मिलने लगा और हमारे सामने है तली का क्रॉस सेक्शन। हाँ, ये क्रॉस सेक्शन है। इसमें ये कुछ चीजें नीचे जाती हुई दिख रही हैं। क्या ये उस रोड के पत्थर हैं? हाँ ठीक है। ये पत्थर रेत के अंदर कितनी गहराई तक गए हैं? करीब 6 फुट नीचे तक। ऐसा लगता है जैसे वहाँ कुछ तो है। हमारे प्रोफेशनल सोनार वाले कुछ कहेंगे। यहाँ नीचे स्ट्रक्चर है, आखिर ये है क्या? ये सब सी फ्लोर है। अच्छा, और ये सब नॉर्मल है। साइंस का कोई मुकाबला नहीं। सब बॉटम प्रोफाइलर ने बता दिया कि बामिनी रोड नेचुरल रॉक से बना है जो नीचे काफी गहराई तक गया है। इसके पत्थर शायद सड़क के पत्थरों की तरह चिकने इसलिए हैं क्योंकि समंदर की धाराएं लगातार उससे टकरा टकरा कर इसके ऊपर जमा सॉफ्ट लाइमस्टोन साफ करती हैं। बिल सबूत की तलाश करेंगे। फिलहाल एटलांटिस प्राचीन कहानियों के दायरे में वापस आ गया है। बरमूडा ट्रायंगल की सबसे अद्भुत कहानियों को सुनने के लिए मैं वापस जा रहा हूँ फ्लोरिडा। वहां मैं विंग्स ऑफ मायामी म्यूजियम में पायलट ब्रूस गर्नॉन से मिलूंगा। ब्रूस, जॉश, हाउ आर यू? ग्रेट टू मीट यू। ग्रेट टू मीट यू। आप उन रेयर पायलट्स में आते हैं जो बरमूडा ट्रायंगल के अंदर गए हैं और इसमें से वापस बचकर निकल आए। ये सच है। तो ये बताइए, ये सब कब हुआ और कैसे हुआ? वेल, मैं बहामास में एंड्रोस आइलैंड पर था। अच्छा। 1970 में 4 दिसंबर को मुझे फ्लाइट लेकर पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था। तो आप बहामास से वापस आ रहे थे? हाँ, मैं मेन पायलट था और मेरे डैड मेरे को पायलट थे। उसके अलावा पीछे की सीट पर एक बिजनेस पैसेंजर था। ब्रूस को एक छोटे से आइलैंड से करीब 300 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में जाना था और उस रास्ते के बीच आता था ट्रायंगल का अंदरूनी किनारा। तो प्लेन कौन सा था? वो एक नया बोनांजा 836 था, काफी हद तक इसके जैसा। जब ब्रूस ने पाम बीच के लिए उड़ान भरी तब तक वो पायलट के रूप में करीब 1000 घंटे की उड़ान भर चुके थे और दर्जनों बार वो इस ट्रिप पर गए हैं। ग्रेट बहामास के किनारे की तरफ बढ़े तो मैंने पहली अजीब चीज देखी, एक लेंटिकुलर शेप का बादल। मतलब के उसका शेप आग के लेंस जैसा था। वो बिल्कुल मेरे ही रास्ते में था और मैं 1000 फीट पर मिनट की स्पीड से ऊपर जा रहा था और मैंने देखा वो भी उसी स्पीड से जा रहा था। आपने इससे पहले ऐसा बादल या ऐसा मौसम देखा था? नहीं, और सबसे अजीब बात थी कि वो चारों ओर फैला हुआ था। मतलब वहां तक जहां तक मैं देख सकता,
क्या वो सच में खतरनाक था? हाँ, मैं सामने देख रहा था और मेरे ठीक सामने तूफान आ रहा था। तो वो आपके सामने एक दीवार की तरह था? हाँ, एक दीवार की तरह। आप उसके ऊपर से नहीं जा सकते थे, ना ही नीचे से जा सकते थे, तो आपने क्या किया? मैं उसके बीच से निकल गया और तब मैंने देखा कि आगे लंबे टनल्स हैं और वो करीब 10 मील लंबे हैं। वाओ! मैं उसमें घुसता चला जा रहा था और टनल बड़ी तेजी से लंबे होते जा रहे थे। उसके बाद मैं फुल पावर के साथ गया क्योंकि मैंने देखा कि वो बंद हो रहा है। और फिर जब मैं टनल के मुंह में घुसा तो हमने देखा कि उस टनल के दीवार के किनारों पर अजीब सी लंबी लाइंस बनती जा रही है और वो एक स्पाइरल जैसी थी। वाओ! वहाँ एंट्रेंस से लेकर एग्जिट तक थी। मतलब आप पूरी तरह ट्वाइलाइट जोन में थे? क्या प्लेन में सभी ने देखा? हाँ, जब हम उससे बाहर निकले तो मैंने पीछे पलट कर देखा और मैंने देखा कि टनल गायब हो गया था। और उसके बाद मैंने कंपास देखा तो वो अपने आप घूम रहा था। अच्छा, जब आप दूसरी तरफ निकले उस वक्त आप कहाँ थे? मेरा ख्याल है कि मैं मायामी से 90 मील ईस्ट में था। उसके बाद? मैंने मायामी फ्लाइट सेंटर से कांटेक्ट किया और फिर रेडार कंट्रोलर वापस आ गया और रेडियो भी, और वो एयरप्लेन को मायामी बीच के ऊपर ले गया और मैंने नीचे देखा कि हाँ, ये तो मायामी बीच है। क्या आप उस जगह से करीब 129 किलोमीटर आगे थे जहाँ आपको होना चाहिए था? बिल्कुल, इसलिए जब मैंने लैंड किया तो मैंने अपनी घड़ी देखी और मैं सिर्फ 47 मिनट में वहाँ पहुँच गया था। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं पहले भी कई बार उस फ्लाइट में जा चुका था और उसमें कम से कम 1 घंटा तो लगता था। वाओ! इसे समझने के लिए ब्रूस ने अपनी फ्लाइट की रास्ते का एक चार्ट बनाया। उनकी कैलकुलेशंस के हिसाब से टनल ने उनकी 144 किलोमीटर की दूरी 3 मिनट 20 सेकंड में तय करा दी। तो इसके हिसाब से आप कितनी स्पीड पर चल रहे थे? 2000 माइल्स पर आवर्स के आसपास। देखिए, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन मैं जानता हूँ कि ये स्पीड बहुत ज्यादा है। 2000 की नहीं बल्कि 200 की स्पीड होगी। ये एक साइंस फिक्शन की तरह लगता है लेकिन ब्रूस के पास सिर्फ कहानी नहीं है, उनके पास रसीदें भी हैं। आप प्लेन को रिफ्यूल कराने के लिए कितना तेल भरवाते हैं? 41 या 40 गैलन। और इस बार आपने कितना तेल भरवाया? सिर्फ 29 गैलन, करीब 110 लीटर। ऐसी रसीदें कम मिलती हैं जो फिजिक्स के नियम तोड़ दें। ओके, तो आप गए बर्म्यूडा ट्रायंगल, तो आपने फ्यूल का पैसा भी बचा लिया, यानी फायदा ही फायदा। बिल्कुल सही। ये बताइए कि ट्रायंगल में जाकर आपने क्या एक्सपीरियंस किया? वेल, आज अगर मैं सोचूं तो वो किसी कीड़े के बिल की तरह था जो तूफान के बीच बनाया गया था। और आप सोच सकते हैं कि उसके आसपास क्या चल रहा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बिजली कड़कना, बारिश, ओले, तेज हवाएं, क्रॉस विंड्स, ऐसा लग रहा था जैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉग बन गया हो। एक तरह का नेचुरल फिनोमिना, कुछ स्पेस टाइम रिफ्ट जिनके बीच से आप निकले। राइट, मुझे लगता है कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉग था वही मिस्ट्री क्रिएट कर रहा था। ब्रूस मानते हैं कि वो फॉग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनोमैली से रिलेटेड थी जिसके बारे में कई लोग मानते हैं कि वही ट्रायंगल पर असर करती है। एनोमैलीज की वजह से ही नेविगेशनल प्रॉब्लम होती है, मौसम खराब होता है और चीजें गायब होती हैं। कुछ ही महीने पहले की बात है, एक पायलट ने पाम बीच से उड़ान भरी और जब 20 मील दूर पहुंचा तो उसने बताया कि उसके इंस्ट्रूमेंट्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और उसके बाद वो गायब हो गया, कभी नहीं मिला। वाओ, यानी अभी भी ये सब हो रहा है, आज भी हो रहा है। यस। मुझे आपने अपनी कहानी बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा ब्रूस। मुझे भी अच्छा लगा। एक बात बताऊं, मैं आपके साथ कभी फ्लाई नहीं करूंगा। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ब्रूस जैसा एक्सपीरियंस दोबारा कभी किसी के साथ नहीं हुआ, लेकिन अब रिसर्चर्स ट्रायंगल के ऊपर के एटमॉस्फेयर की जांच करने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि ब्रूस ने जिस इलेक्ट्रॉनिक फॉग का जिक्र किया क्या वो सच में है। ये जानने के लिए मैं एरोस्पेस इंजीनियर ब्रायन चैन और डॉक्टर टाइलर रीड से मिलने आया हूँ। हे ब्रायन। हे जॉश, मैं ही हूँ ब्रायन। हाउ आर यू मैन? बहुत अच्छा, नाइस टू मीट यू। मैं हूँ जॉश। टाइलर, तो हम इसे कैसे करेंगे? हम ये कैसे टेस्ट करेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है? हम एक स्पेशल
स्पेशल हाई एल्टीट्यूड बलून एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम कुछ इक्विपमेंट्स लाए हैं जिनकी मदद से हम यहाँ से लेकर जहाँ तक एटमॉस्फेयर खत्म होता है वहाँ तक की रेडिएशन लेवल और मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे। ऑसम, यानी हम इस बलून को समंदर के ऊपर छोड़ने वाले हैं। यही प्लान है यहाँ से कुछ मील दूर। तो फिर चले। हमारी बोट के कैप्टन एंड्रयू हंट ने 4,350 हॉर्स पावर के V8s को स्टार्ट किया। चलिए चलते हैं। हम करीब 32 किलोमीटर दूर खुले समुंदर में गए जहां हमने पूरे सिस्टम को हवा में छोड़ने के लिए तैयार किया। ये देखिए, बस यही इसे हम वहां ले जाएंगे जहां एटमॉस्फेयर खत्म होता है। ये कितना ऊपर जाएगा टाइलर? करीब 1,00,000 फीट ऊपर। करीब 1,00,000 फुट। मुझे लग रहा है ये एक स्टायरोफोम कूलर है जिसके चारों ओर टेप है। ऐसे नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं है। इसे खोल सकता हूं प्लीज? खोल कर देखते हैं इसमें आखिर है क्या। और ये देखिए इसमें क्या क्या है। ओके, तो इसमें कुछ डिजिटल कैमरास जो हमें वापस वीडियो भेजेंगे। हाँ, ऑसम। और ये बताइए कि वो मेजरमेंट्स कौन लेगा? उसके लिए हमारा ये मेन अल्टीमीटर है। ऊपर जाने के बाद ये मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ टेस्ट करेगा। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड हमारे प्लैनेट के अंदर बहने वाली पिघले हुए लोहे की वजह से बनती है और पोल्स पर पैदा होने वाले चार्ज की वजह से कंपासेस का पॉइंट नॉर्थ की तरफ रहता है या उसे वहीं रहना चाहिए। इस बॉक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नापने के लिए एक गाइगर काउंटर भी है और साथ ही एक GPS ट्रैकर जिससे नीचे आने के बाद हम इसे ढूंढ पाएंगे। बताइए ये कैसे काम करता है? ओके, तो हम एक बलून को फुलाकर छोड़ देंगे जो लगभग 1,00,000 फुट ऊपर जाएगा। उसके बाद वो फूट जाएगा और पैराशूट खुल जाएगा और फिर वो बड़े आराम से पानी पर आकर गिरेगा। अच्छा, तो फिर इंजन किस बात का है? हाँ, तो चलिए। हमने एक हीलियम टैंक को बलून से जोड़कर उसे भरना शुरू किया। जब बैलून फूलने लगा तो उसे संभाल पाना मुश्किल हो गया। जब भी तेज हवा आती तो लगता कि कहीं उसके साथ मैं भी ना उड़ जाऊं। हॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी एव। मुझे लगता है कि उस बुजुर्ग की तरह मैं भी हवा में ना उड़ जाऊं। वेल, हम यहाँ 3 ही लोग हुआ करते थे। फाइनली बैलून पूरी तरह फूल गया। अब सिर्फ एक काम बाकी है, हवा में छोड़ना। हो गया, अब ये उड़ने के लिए तैयार है। इसे हटा दे? हटा दीजिए। ये पैराशूट से उतरेगा ना? हाँ हाँ। ये ऊपर जा रहा है। राइट। सब तैयार? एक काउंटडाउन शुरू करते हैं 10 से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं हूँ बरमूडा ट्रायंगल के खुले समुद्र के बीच और इस थ्योरी का पता लगा रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनोमली की वजह से 500 सालों से अजीबोगरीब हादसे हो रहे हैं जिनमें हजारों लोगों की जान जा चुकी है। ट्रायंगल के ऊपर एटमॉस्फेयर को टेस्ट करने के लिए टाइलर रीड और ब्रायन चान एक बैलून को छोड़ रहे हैं जो उतरता हुआ स्पेस के किनारे तक जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1। ये तो गया। कुछ ही पलों में बलून दिखाई देना बंद हो गया। ओके, नाइस वर्क। बहुत बढ़िया। हमें उस बॉक्स में लगे GPS बीकन के जरिए उस एक्सपेरिमेंट को ट्रैक करना है। चलिए, तो वो कहाँ है? अभी 10,000 फीट पर है। 10,000 फुट पहुँच भी गया? हाँ, 10,000 फीट पर। जब इसके रास्ते में स्ट्रेटोस्फीयर्स की जेट स्ट्रीम आएगी तो ये वेस्ट की तरफ जाने लगेगा। ये पूरे रास्ते बरमूडा ट्रायंगल के रेडिएशन लेवल और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को नापता हुआ जाएगा। इस फील्ड की स्ट्रेंथ में आने वाले बदलाव कंपसेस और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को बंद कर सकते हैं। पायलट ब्रूस ने इसे कहा था इलेक्ट्रॉनिक फॉग। उन्हें शक था कि इसी वजह से उन्हें एक अजीब टनल का सामना करना पड़ा। ओके, तो सवाल ये है कि ये अब कहां जाएगा?
इस वक्त ये फ्लोरिडा कीज के ऊपर से होते हुए वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो हम यहाँ हैं? ये तो गल्फ साइड की तरफ जा रहा है। हाँ। ऊंचाई कितनी होगी इस वक्त? ये 95,000 फीट पर। ये कभी भी फट सकता है। हे एंड्रयू, गल्फ की तरफ चलते हैं। हाँ ठीक है, बस एक मिनट रुको। बलून को ऊपर भेजना आसान था, लेकिन ये पता करना कि वो कब और कहाँ जाएगा उतना आसान नहीं था। 97,000 फीट। 97,000 फीट। वो उस जगह से करीब 40 किलोमीटर दूर पहुंच गया। जब ये पृथ्वी के किनारे पहुंचेगा, यानी करीब 1,00,000 फुट की ऊंचाई पर, तो हवा के कम दबाव की वजह से बलून फूलेगा जब तक वो फट नहीं जाता। फिर पैराशूट खोलेगा और वो बॉक्स नीचे वापस आ जाएगा। ब्रायन और टाइलर ने समंदर में ऐसा कभी नहीं किया। हमें इस बॉक्स को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वरना उसके अंदर पानी भर जाएगा और सारा डेटा समुद्र की गहराई में चला जाएगा। वो अब 99,893 फीट पर है। वाओ, 1,00,000? हाँ, 1,00,000 तक पहुंचने वाला है। स्पीड होगी करीब 113 किलोमीटर पर आर। बिल्कुल, अब किसी भी वक्त फट सकता है। यहाँ से हम बहुत ही तेजी से ब्रिज के नीचे से निकलेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो हम ब्रिज के नीचे से निकलकर गल्फ में जाने वाले हैं? हाँ, इसे कसकर पकड़िए, ये रैश ड्राइविंग है। हम तेजी से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। हमें जीपीएस की अगली रीडिंग का बेसब्री से इंतजार है, जब पैराशूट के नीचे आने की स्पीड धीमी हो जाएगी। जॉश, सुनो जॉश। क्या हुआ? वो अब 50,000 फीट पर है। 50,000? ठीक है। लैटिट्यूड 24.838715। ओके। Longitude 80.988141। अब 28,000 फीट पर है। अगर ये साउथ की तरफ बढ़ेगा तो हमारा कोर्स गड़बड़ हो जाएगा। हवा की दिशा बदलने के साथ हमें अपने कोर्स को एडजस्ट करना पड़ता है। वो टर्न कर गया, वो पिछले कोऑर्डिनेट से साउथ वेस्ट की तरफ चला गया। ओके। हमारे सामने है न्यू अपडेट्स 16,000 फुट और नीचे आ रहा है। ये एकदम वेस्ट की तरफ जा रहा है। अच्छा। हाँ। ऊंचाई कितनी है? 14,000 फीट। 14,000 फुट। ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर। अभी वो 8,000 फुट ऊपर है। वो करीब 1 किलोमीटर दूर है और 10,000 फुट से नीचे। देखते ही उसे उठाना होगा। हो सकता है कि वो तेजी से नीचे उतरे। हवा यहाँ बहुत तेज चल रही है। अब मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? हाँ। लगभग 0.5 किलोमीटर और। किस तरफ? तुम बस नजर रखो। हम उससे ज्यादा दूर नहीं हैं। रुको, मैं देखकर बताता हूँ। हमारे पीछे या आगे? यही कहीं होना चाहिए। अरे वो रहा, वो देखो, वो रहा। कहाँ? वहाँ सामने देखो। आ गया, मिल गया। टाइलर, चलो उसे लेकर आते हैं। ओह माय गॉड, ये वो रहा। वहाँ पर चलो, चलो, ठीक हमारे सामने। 12 o'clock। हाँ, हम उसे पकड़ लेंगे। क्या कर रहे हो? चलो। बस पहुँच गए। मुझे मजा आ रहा है। और फास्ट एंडी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी, सच में। ओहो, वो पहुँचने वाला है, देखो। ओके, वो नीचे आ गया। यकीन नहीं होता। उसे डूबने से पहले निकालो। जल्दी निकालना पड़ेगा। इसे तो मैं निकालूंगा।